नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का मुझे कई बार ये सवाल मिला है, बहुत बार मुझे ये सवाल मिला है, और इसके साथ साथ जो है इसके ऊपर वीडियो बनाने की बहुत रिक्वेस्ट आए हैं कि हम प्रतिदिन के पूजा के लिए अगर हम धुनुची धूप या फिर दीपक जला रहे हैं तो उसमें जो है वो धुनुची धूप क्या अलग अलग सभी देवताओं के लिए जलाने हैं, मतलब जिनके मान लीजिए जैसे हमारे घर पे केवल लक्ष्मी नारायण के ही विग्रह है तो लक्ष्मी नारायण के विग्रह में ही जो है हम पूजन आदि करते हैं, उन्हीं को जो है धूप आदि अर्पण करते हैं और उन्हीं के मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा ही वहाँ पर मूल रूप से की जाती है। पर कई घरों में ज़्यादातर क्या होता है गृहस्थ घरों में कि वो कई देवी देवताओं के पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गलत है या सही है। नहीं, सही गलत का यहाँ पर कोई विषय नहीं है, हर किसी को अपने अपने भावना से हो सकता है कि एक परिवार में कई सारे लोग रह सकते हैं, हर किसी के आस्था जो है वो समान रूप से एक भगवान के एक साकार रूप पर नहीं है, वो अपने अपने तरीके से जो है ना भगवान के अलग अलग साकार रूप में आराधना आदि करना पसंद करते हैं और इसलिए उनके मंदिर में जो है राम जी के भी, राम सीता जी भी है, माता रानी भी है, शिव जी भी है, गणेश जी भी है, हर किसी के अपने अपने आस्था के अनुसार या फिर हर कोई जो है ना ऐसे नाना देवताओं की पूजन करना पसंद करते हैं कि सभी शक्तियों के सामने जो है भगवान की सभी रूपों के सामने जो है वो माथा टेकना या फिर पूजन आदि आरती आदि करना चाहते हैं। पर यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि जो हम लोग धूप आदि दीप आदि अर्पण करेंगे या निवेदन करेंगे तो क्या ये सभी को करना होगा या फिर जो है इसके कोई दूसरे उपाय है, मतलब सभी को अलग अलग धुनची पात्र अलग अलग दीप जो है वो प्रज्वलन करना चाहिए या फिर एक साथ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, धुनची धूप हो दीपक हो, ये जो नित्य निवेदन किए जाएंगे वो मूल रूप से आपके इष्ट या फिर गृह देवता कौन है, ये सबसे पहले जो है ना आपको ध्यान रखना है। जो आपके मूल रूप से पूजन होता है मतलब गृह देवता की जो मूल रूप से आप पूजन कर रहे हैं नित्य दिन, उन्हीं को जो है ये जो धुनची धूप जो है एक धुनची पात्र में आप धूप प्रज्वलन करेंगे या फिर दीपक प्रज्वलन करेंगे, वो धूप दीप जो है वो आपको अपने इष्ट देवता या फिर जो इष्ट देव हो देवी हो या फिर गृह देव देवी, कई लोग इष्ट क्योंकि कई लोग जो है हो सकता है कि उनके घर में जो है मतलब वो अपने घर में विग्रह नहीं रखते हैं पर उनके शायद गांव में उनके विग्रह है वो उनके छवि रखकर जो है पूजा करते हैं तो इष्ट जो है वो वही हुए, और कई लोग घर में ही जो है अपने गृह देवता को उन्होंने जो है ना अपने घर पे जो है उन्होंने अपने गृह देवता को जो है उन्होंने आसन दिया है यानी कि प्रतिष्ठित किया है। तो ये गृह देवता या फिर इष्ट देवता की पूजन में ही आपको जो है धूप दीप आदि निवेदन आदि जो पद्धति है उसके माध्यम से आपको करना है। मूल रूप से आपको धूप दीप निवेदन जो है वो आपके गृह देवता और इष्ट देवता को ही करना है, ये बात जो है आप समझ ले दोस्तों अच्छे तरीके से। अब आप कहेंगे कि तो क्या बाकी हमने जो भी सारे देवी देवता रखे हैं तो उनके लिए क्या हम कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात देखिएगा, जब भी विशेष पूजा भी अगर आप मान लीजिए तो विशेष पूजा में मान लीजिए दुर्गा माँ की दुर्गा पूजन हो रही है, दुर्गा पूजा में माँ की पूजन तो होती ही है पर उसके साथ साथ उनके सपरिवार के पूजन होते हैं, उनके अंग देवताओं के पूजन होती है और नाना ग्राम देवता आदि सभी के जो है ना पूजन किए जाते हैं माँ के उस पूजा में। तो उनके पूजा जैसे कि गंध पुष्प धूप से किए जाते हैं कई समय या फिर केवल गंध पुष्प से किए जाते हैं, तो कई जगह पर जैसे कि कुछ पूजा में मतलब कुछ अंग देवताओं की पूजा में नैवेद्य आदि दिए जाते हैं पर सभी के ज़्यादातर जो होता है गंध पुष्प से ही पूजन किए जाते हैं। तो आपके बाकी जो भी सारे देवी देवता हैं उन्हें जो है आपको गंध पुष्प से ही पूजन करना है, और जो है जब आप आरती कर रहे हैं तो आरती के धूप दीप जो है आप अपने इष्ट देवता और गृह देवता ताकि आरती करने के बाद सभी को आपको जो है ना आरती करना है तो उस प्रकार से भी जो है आपका धूप दीप निवेदन एक प्रकार से सबको देना या फिर सबको दिखाना जो है वो हो जा रहा है। पर निवेदन के अगर विषय आते हैं
तो निवेदन जो है आपको मुख्यतः अपने गृह देवता को ही करना है। निवेदन प्रक्रिया पंचोपचार से पूजा अगर आप करते हैं नित्य दिन, तो उस निवेदन प्रक्रिया में आपको अपने गृह देवता को ही वो निवेदन आदि करना है, या फिर अपने इष्ट देवता को ही जो है वो निवेदन आदि करना है जो धूप दीप आदि है। बाकी सभी देवता को आपको गंध पुष्प से पूजन करना है। आप चाहे तो जैसे कि मान लीजिए कि धूप जो है तो वो धूप जो है आप दिखा सकते हैं, पर मूल रूप से जो है धूप आदि मतलब धूप आपने एक जो है निवेदन आदि अपने इष्ट देवता या फिर गृह देवता को अपने किए, वही धूप जो है आप सभी देवी देवता के जब पूजन कर रहे हैं गंध पुष्प से, तब जो है आप उनके लिए भी वो धूप घुमा सकते, उसमें समस्या नहीं है। पर जो है निवेदन विधि के साथ अगर आप जो है निवेदन करना चाहते हैं नित्य प्रतिदिन, दीप भी जो है आप जो निवेदन करेंगे वो अपने गृहदेव के लिए या फिर जो है अपने इष्ट देव के लिए ही आपको निवेदन करना होगा। दूसरों के लिए आप जो है प्रदर्शन करा सकते, केवल मात्र प्रदर्शन आदि करा सकते, पर गायत्री के साथ या फिर पूर्ण निवेदन धूप के दीप के पूर्ण निवेदन मंत्र आदि के साथ जो है आपके गृह देवता और इष्ट देवता को ही निवेदन करना चाहिए। आरती के समय जो है आप अपने गृह देवता और इष्ट देवता की आरती करने के बाद आप अपने वहाँ पर मंदिर में मौजूद बाकी सारी देवी देवताओं को भी आप जो है ना धूप दीप दिखाकर आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है आपको धूप दीप जो है अपनी सभी देवी देवताओं को प्रदान करना है। तो ये हो जाता है असल में प्रोसेस, मतलब विधि अगर आप कहते हैं तो ये विधि होता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि क्या अलग अलग धुनची जो है वो प्रज्वलन करना है, अलग अलग दीपक जो है वो प्रज्वलन करना, नहीं अलग अलग धूप दीप प्रज्वलन करने की यहाँ पर कोई विषय ही नहीं है। आपके घर के गृह देवता के रूप में आपको किन की पूजा आप करते हैं उनके लिए जो है निवेदन होगा। देखिएगा जहाँ पर जो है ना जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में विशेष कोई पूजन आदि हो रहे, तो उनके गृह देवता के रूप में जो है ना नारायण, हमारे यहाँ हमारे इस तरफ तो ये बहुत चलन है कि किसी के घर में जो है शिव जी शायद उनके गृह देवता है, किसी के घर में जो है वानेश्वर शिवलिंग जो है, या फिर नर्मदेश्वर भी जिसे कहते हैं, या फिर शालग्राम शिला या रघुनाथ शिला, तो उन्हें जो है ना उस पूजा स्थान पर रखकर जो है सर्वप्रथम उनके धूप दीप आदि अर्चन किए जाते, क्योंकि गृह देवता इष्ट देवता के रूप में आपने जिन्हें प्रतिष्ठित किया है या फिर आपने मन ही मन जिन्हें अपने इष्ट या गृहदेव माना है उनकी पूजा ही सर्वप्रथम और मुख्य होगा, उसके बाद बाकी सारी पूजा आदि कृत्य होगा। तो इसलिए जो है आपको अपने गृहदेव और इष्ट देव को ही, जिनके मान लीजिए कि कई घरों में जो है कई सारी देवी देवता रहते हैं पर वो माता रानी की कलश प्रतिष्ठा करके ही जो है वो पूजन आदि करते हैं, या पर हर अष्टमी में माता की जो है कलश आदि मतलब वो उन्हें इष्ट मानकर या गृह देवी मानकर, सभी लोग जो है नित्य प्रतिदिन कलश नहीं रख पाते, बहुत सारे लोग वैसे हर हफ्ते ही जो है कलश बैठाते हैं और हफ्ते हफ्ते चेंज करते हैं, पर कई लोग जो होते केवल अष्टमी आदि इन सारे समय भी कलश देते, पर उन्हें जो है इष्ट देवी या फिर गृह देवी के रूप में वो सेवा पूजन आदि नित्य करते हैं। तो धूप दीप निवेदन यहाँ पर जो है ना आपको वहाँ पर माँ की ही करना है। बाकी जो भी मान लीजिए आपके लक्ष्मी नारायण हैं, आपके मान लीजिए शिव जी है, गणेश जी है, सभी जो है उन्हें जो है आपको गंध पुष्प आदि से पूजन करना है। आप चाहे तो धूप प्रदर्शन कर सकते और उसके बाद जो है धूप दीप से जो है आपको आरती माँ के प्रथम करना है और उसके बाद जो है बाकियों के करना है। मूल विषय ये है कि धुनची धूप आप नित्य प्रतिदिन जो निवेदन करेंगे या घृत दीपक जो दीप के तौर पर निवेदन हो रहे हैं वो आपको गृह देवी या फिर इष्ट देवी देवता को ही करना है। गृह देवी देवता या फिर इष्ट देवी देवता को ही जो है आपको धुनची धूप या फिर दीपक जो है वो निवेदन करना है दोस्तों। आरती के धूप दीप भी जो है आप उस प्रकार से सर्वप्रथम निवेदन करिएगा, मतलब मान लीजिए कि आप माँ के कर रहे हैं तो आरती के धूप दीप जो है सर्वप्रथम आप कहिएगा कि एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै निवेदयामि, एष आरात्रिक धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै निवेदयामि। इसके बाद आप कहिएगा कि एष धूप सर्वदेवी दिव्यै
निवेदयामि एष रात्रिक धूप सर्वदेव दिव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से सर्वदेव दिव्यै निवेदयामि ये कहते हुए जो है आपको निवेदन करते हुए जो है ना आपको आरती करना है। तो इसी प्रोसेस से हमेशा जो है आपको पूजन आरती नित्य प्रतिदिन करना है कि आपको निवेदन धूप दीप गृह देवता और इष्ट देवता के करना है और आरती के माध्यम से उस प्रकार से निवेदन आदि करके सबकी आपको आरती करना है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ गया है कि जो निवेदन होगा धूप दीप प्रतिदिन कोई अलग अलग हर किसी देवी देवता के लिए जलाने की आपको या फिर प्रज्वलन करने की आपको जो है ज़रूरत नहीं है। निवेदन केवल आपके गृह देवता या देवी के होंगे और बाकी जो आरती आदि जो है वो जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से आपको करना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।